वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके भी लिप्स डार्क और पिगमेंटेड है तो मैं आपके लिए बेस्ट रेमेडी बताने वाली हूँ, जिससे आपके लिप्स तो पिंक होंगे ही, उसके साथ आपके लिप्स सॉफ्ट और स्मूथ भी होंगे। आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स फॉलो करने में सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा लगने वाला नहीं है। आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है और सिर्फ 5 दिनों में ही आपके लिप्स परमानेंटली पिंक हो जाएंगे। डार्क लिप्स होने के कई कारण हो सकते हैं, लैक ऑफ हाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, लिप सकिंग की वजह से भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपोजर सन के एक्सपोजर की वजह से भी आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं, और कई सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। उसको रिमूव करने के लिए मैं आपको एक बेस्ट रेमेडी बताने वाली हूँ, तो चलो देखते हैं कि वो रेमेडी क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि क्लेंस करना। जो भी प्रोडक्ट अपने फेस हो या लिप्स हो, कहीं पर भी लगा रही हो, तो क्लेंस करना इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर अपने लिप्स को क्लेंस कर रही हूँ, मैं आलमंड ऑयल से अपने लिप को क्लेंस कर रही हूँ। आप आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मेकअप रिमूवर, कोई से भी प्रोडक्ट से अपने लिप्स को क्लेंस कर सकते हो। मैंने अपने लिप्स को क्लेंस कर लिया, आप देख सकते हो कि कितना डर्ट निकला है। इसके बाद दूसरा स्टेप है स्क्रब करना। स्क्रब करने के लिए आपको बस कुछ नहीं चाहिए, एक बाउल ले लीजिए, बाउल में 2 चम्मच शुगर ऐड कर लीजिए। मैंने शुगर को ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको 1 टेबलस्पून हनी ऐड करना है। मैं हनी ले रही हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर डाबर हनी का यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी हनी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको 1 चम्मच आलमंड ऑयल यूज करना है, कोकोनट ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हो। बस आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक स्क्रब की तरह होगा ये मिक्स करने के बाद। आपको एक टूथब्रश लेना है जो एकदम सॉफ्ट ब्रिस्टल्स के हो, ये अपने लिप्स पे लगा लीजिए। स्क्रब आपके डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा और नई सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। मैंने अपने लिप्स पे लगा लिया है। आपको बस सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है, हार्शली मत कीजिए। अगर आप हार्शली यूज करोगे तो आपके लिप्स फटने लगेंगे। आपको बस इस तरह स्क्रब लगा लेना है और सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है, ऐसे ऐसे मत कीजिए, सर्कुलर मोशन। आपको बस 2 to 3 मिनट स्क्रब करना है। आलमंड ऑयल आपके स्किन को लाइटन करने में हेल्प करेगा, शुगर आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, और हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। इसलिए मैंने इन तीनों प्रोडक्ट को लिया है एज ए स्क्रब। मैंने स्क्रब कर लिए हैं। आपको बस 2 to 3 मिनट से स्क्रब करना है, उसके बाद अपने क्लेंस कर लेना है अपने लिप्स को। आप देख सकते हो कि मेरे लिप्स पहले से ज्यादा पिंक हो रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप है आपको मास्क लगाना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बस 2 इंग्रेडिएंट चाहिए, 1/2 चम्मच हल्दी यानी टर्मरिक और 1 चम्मच मिल्क। रॉ मिल्क यूज कीजिए, वर्ल्ड मिल्क यूज ना करें। मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उसमें 1 चम्मच मिल्क ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको
बस आधा चम्मच हल्दी लेना है, अच्छी तरह से मिला लीजिए। और अपने लिप्स पे लगा लीजिए। हल्दी आपके लिप्स को लाइटन कर रहा है और मिल्क आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है। आपको सिर्फ 5 मिनट तक ऐसे ही रखना है और उसके बाद धो लीजिए नॉर्मल पानी से। मैंने 5 मिनट के बाद अपनी लिप्स को धो लिया है। आप देख सकते हो कि मेरे लिप्स पहले से ज्यादा पिंक होने लगी हैं। आपको लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, जस्ट मॉइस्चराइज करना है। आप एलमंड ऑयल से भी मॉइस्चराइज कर सकते हो या मार्केट में जो भी लिप बाम मिलता है उसको भी लगा के मॉइस्चराइज कर सकते हो। मैं यहाँ पर एलमंड ऑयल से अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। देखा ना कितना इजी है, बस आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट के बीच में ही हमने लिप्स को पिंक बना लिया है। अगर आप 5 दिनों तक रेगुलरली करोगे तो आपके लिप्स नेचुरली पिंक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।